दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं, जो भी आपका परचेजिंग होता है, जितने भी अमाउंट का होता है, आप उसको कैसे आईसीसी पे लेटर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करोगे तो आईसीसी का पे लेटर का जो ऑप्शन है वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको मिंत्रा ने इंक्लूड किया है। ऑलरेडी मेरे को नहीं पता था, लेकिन जब आज मैं एक वॉच खरीदने जा रहा था, तब मैं जब पेमेंट करने गया तो वहां पे लेटर में मैंने क्लिक किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्लिपकार्ट के लेटर से पे करता था तो वहां पे 30 दिनों का समय मिलता था। लेकिन जब मैंने वहां पे आईसीसी का लेटर देखा तो मैं वहां पे क्लिक किया तो मेरे को 40 दिन का समय मिल रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं। तो यहां पे आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं तो आईसीसी के पे लेटर के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल यहां पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने मिंत्रा के एप्लीकेशन को यहां पे ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहां पे हम बैग पे आ जाते हैं। शॉपिंग बैग पे आने के बाद यहां पे मैं सुबह सुबह एक फास्टर का एक वॉच को परचेज करना चाह रहा था, तो सिंपली मैंने यहां पे प्लेस ऑर्डर पे मैं आपके सामने क्लिक करता हूं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एड्रेस वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहां पे आपके सामने बैंक का ऑफर देखने को मिलेगा। अगर आप इन सारे ऑफर को अप्लाई करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो शो मोर पे क्लिक करके आप ये सारे ऑफर को पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ऑफर पसंद नहीं आता तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको पे लेटर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मिलता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का मिलता है, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, ये सारे सबको पता होते हैं, पेटीएम का वॉलेट वगैरह सबको पता होता है। लेकिन दोस्तों जब मैं आज पेमेंट कर रहा था तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ईएमआई या पे लेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को आईसीसी पे लेटर का एक ऑप्शन देखने को मिला, जो कि बिल्कुल नया था। पहले यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट मनी और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो ईएमआई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों मैंने आईसीसी पे लेटर पे क्लिक कर दिया है। आपको भी कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि यार मेरा तो आईसीसी पे लेटर है ही नहीं, तो दोस्तों उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे आप आईसीसी पे लेटर को अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो पेमेंट है प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, आईसीसी बैंक पे लेटर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। सिंपली आप यहाँ से मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आई मोबाइल एप्लीकेशन होगा। वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको वहाँ पे पेमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो फीचर्स दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा मिला, क्योंकि जब मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करता था तो वहाँ पे मेरे को 30 दिनों का फ्री इंटरेस्ट पीरियड देखने को मिलता था। 30 दिनों के बाद मेरे को पेमेंट करना होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप आईसीसी पे लेटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 40 से 45 दिन का समय मिलता है। उसके बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। सो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि जो भी मैं अपने साथ एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।